पर हमारे मुआशरे में बात नहीं होती और अगर बात होती है तो उसे बुरा समझा जाता है, उसे मायूब समझा जाता है, उसे स्टिग्मेटाइज किया जाता है। अगर कोई कहे कि मेरी मुझे कोई ज़हनी मसला है तो उसे पागल करार दे दिया जाता है। और यही वजह है कि कई लोग जिनको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है वो इस वजह से उन लोगों से रुजू नहीं करते या वो इलाज नहीं करवाते जिनकी उस जिसकी उनको ज़रूरत है। और ये लोग बहुत जगहों पे हो सकते हैं, ये माशरे के किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, और क्योंकि ये अपनी इस तकलीफ़ का इलाज नहीं कराते तो लिहाजा इनके काम पर, इनकी परफॉर्मेंस पर असर होता है। जिन घरों में ये मसला होता है उस घर के माहौल पर असर होता है, उस माहौल की वजह से उन बच्चों की सेहत और तरबियत पर असर होता है जिन्होंने इस मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। तो ये एक साइकिल है, अगर ये साइकिल सही चलती है तो माशरे में तरक्की होती है और अच्छी प्रोग्रेस होती है, जिसे कहते हैं ना कि क्वालिटी प्रोग्रेस, वो होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यकीनन हम अपने कई टारगेट्स को मीट नहीं करते। तो ये बड़ी एक अहम आज चीज़ डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक हमें प्रोग्राम के ज़रिए आगाही दी है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि आप इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं। रिपोर्ट तो मुरतब होती हैं, बुक्स लिखी जाती हैं, बट जब तक ये आगाही इस मुल्क के हर फर्द को, हर घर में नहीं होगी तब तक हमारा मिशन जो है वो पूरा नहीं होगा। और इसके लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अवामी नुमाइंदों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को इंगेज करें, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो नॉलेज देते हैं लेकिन ये नॉलेज जिनको देनी है वो लोग मुआशरे के अंदर हैं, वो लोग गली मोहल्लों कस्बों में रहते हैं, उन तक ये मैसेज जाना ज़रूरी है। मीडिया बहुत अच्छा रोल और बहुत अहम रोल अदा कर सकता है इस सिलसिले में। मेरी ये दरख्वास्त है मीडिया के साथियों से कि जहाँ आप सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज़ के तलाश में होते हैं वहाँ इस तरह के प्रमोशनल जो मैसेजेस हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको भी ज़रूर आगे लेकर आएं। जो आपके मालिकान हैं उनको भी कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की स्टोरीज़ को कवर करें कि कैसे किसी एक बच्ची ने जो है वो छोटी उम्र की शादी में जो तकलीफ़ें झेली उसमें एक तकलीफ उसकी मेंटल हेल्थ भी थी। किस तरीके से एक बच्चा जो जिसके माँ बाप दहशतगर्दी के शिकार हुए, जिसने अपने माँ बाप को खोया, फैमिली को खोया, सब कुछ खोया, किस तरह उस बच्चे ने ज़िंदगी गुजारी, उस पर क्या असर पड़ा। फिर टेलीविज़न पर हमने जब ये सारी खबरें देखी तकलीफ दे तो किस तरीके से हमारे बच्चों पर असर पड़ा। जो बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, और स्कूल्स में हमें टीचर्स को ये आगाही देनी है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करें, किसी तरीके से उनके माइंड्स को जो है वो उस पर कोई दाग ना लगे, वो स्कार ना हो। तो ये बहुत अहम बातें हैं। साथ ही साथ यकीनन मुल्क के अंदर जब इंतशार होता है तो वो भी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। जब मुल्क के अंदर रोज़ ये बात हो कि जी किसी को क्यों निकाला, ये बात हो कि जी अब भाई आइनी तरीके से, अभी आइन वकील साहब हमारे यहाँ पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे थे, आर्टिकल्स की बात कर रहे थे, अगर मुल्क के आइन के अंदर एक प्रोविज़न है और उसके ज़रिए आपको घर भेजा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली फांसी लगाकर नहीं भेजा गया, जेल में डालकर नहीं भेजा गया, मुल्क बदर कर नहीं निकाला गया, पार्लियामेंट से बाइज्जत आईनी तरीके से निकाला गया जो कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है, तो भी आपकी रट ख़त्म नहीं होती कि मुझे क्यों निकाला, मेरे खिलाफ साजिश है। इस तरह की बातें, इस तरह के झूठे इल्ज़ामात, ज़हनी जो इंस्टेबिलिटी है ये उसकी अक्कासी करता है। क्योंकि एक पल में बोला जाता है कि जी मुझे अमेरिका ने जो है साजिश करके निकाला, मुझे अमेरिका मारना चाहता है, ये कहा गया ना किसी शख्स की जानिब से। और फिर अब हम सुन रहे हैं इतने महीनों के जो बीन बजाई गई, फिर हमने सुना कि भाई अमेरिका ने तो कोई साजिश की नहीं, अमेरिका तो इसमें मुलव्वस था नहीं, वो कोई और साहब थे, वो साहब जो उनके लिए
बेस्ट थे एक ज़माने में, अब वो हैं। तो देखिए ये जो बयान बदलना, ये बार बार अपनी चीज़ से पीछे हट जाना, ये भी ज़हनी कैफियत की निशानदेही करता है, ये भी बताता है कि आपकी ज़हनी कैफियत सही ठिकाने पे नहीं है। लेकिन हम आपको पागल नहीं कह रहे, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि यू नीड मेंटल हेल्प, यू नीड हेल्प फ्रॉम दीज डॉक्टर्स, द प्रोफेसर्स हु आर हियर, यू नीड टू गो एंड शो योर सेल्फ टू अ मेडिकल प्रोफेशनल हु विल टेल यू कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर एंड प्लीज डोंट प्ले विद द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री। इस मुल्क में इंतशार मत फैलाओ, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी मत करो, फैलाओ। इस मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इमरान नियाजी के की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐलान हो जाता है कि जी जेल भरो। आप एक तरफ कहते हैं कि जेल जाने से नहीं डरते, फिर जब आपको पता चलता है कि आपके जरायम जो हैं वो साबित हो गए हैं और आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आप रात को वावेला मचा के लोगों को इकट्ठा करते हैं, बमुश्किल 7 से 8 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप जो हैं वो जेल भी नहीं जाना चाहते। तो हिम्मत की जो दास्तान है ना, वो तो खैर सहाफ़ियों को भी पता है कि दीवार फलांगने से शुरू होती है और भागने से शुरू होती है। सो दिस कंट्री नीड स्टेबिलिटी। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर, दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है, एक बार फिर वो माइंडसेट जिसके तहत लोगों को तैयार किया जा रहा है इस मुल्क पे अटैक करने के लिए, वो सामने आ रहे हैं। सो वी नीड पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें हैं जो ज़रूरत हैं इस मुल्क की। जी अच्छा, सवाल 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 एक मिनट, अगर सवाल सवाल ये है, चीटिंग करके ये मेंटल हेल्थ अथॉरिटी आपने बनाई है, इस तरह के और भी कई इदारे सिंध हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन हर इदारे में अपनी जाली भरी भर्ती करके ना कोई मेरिट है ना कोई काम है, ये प्रेजेंटेशन और इस तरह के प्रोग्राम जो है वो उसमें ही नज़र आते हैं ये इदारे, आम ग्राउंड पर कुछ भी नहीं होता। तो खुदा के लिए तीसरा दौर चल रहा है, अवाम पे, सिंध के अवाम पे रहम करें, लोग भर्ती करें ताकि ये इदारे भी कहीं नजर आएं, एक तो ये चीज़। दूसरा, महंगाई के जो मेंटल हेल्थ पे लोगों के उस पे जो असरात हुए हैं उसका भी कोई अंदाजा है वफा की हुकूमत को? बिल्कुल, देखिए बात ये है कि जहाँ तक आपने बात की है मेरिट की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिसका जो काम है उसी को सौंपा जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, इसमें चूँकि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब खुद, उनका एक बैकग्राउंड है, मेडिकल प्रोफेशनल है और साइकाइट्रिस्ट हैं, और यकीनन इनका ये पैशन था तो इन्होंने काम शुरू किया। अब इनका ये गुनाह तो नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं, उसका हिस्सा भी हैं। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन एनी वन हैविंग अ पोलिटिकल एफिलिएशन, एज लॉन्ग एज के जो काम कर रहा है वो काम जानता हो या जानती हो, ये अहम बात है। जहाँ तक आपका सवाल पैदा, आपका हाल है, बिल्कुल बड़े शौक से इस मुआशरे में पहले हमने ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की लहर को भुगता, 2 दहाइयाँ लग गई, हम लड़ते रहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2007 में कहा था कि जब स्वात में दहशतगर्द आ गए तो वहाँ हमारा झंडा नहीं लग सकता था। शहीद मोहतरमा ने अपनी तकरीर में, जो आखिरी उन्होंने लियाकत बाग में तकरीर की, उसमें उन्होंने फरमाया कि हम स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसी स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराया। ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में 25 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, टेम्पोरेरली अपने घरों से निकलना पड़ा ताकि इस मुल्क में ऑपरेशन हो, इस मुल्क में अमन आए। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के दफा की कसम उठाई वो शहीद हुए, वो सिविलियंस जिन्होंने इस मुल्क से मोहब्बत किया, उन्होंने अपने घर छोड़े, उन्होंने अपने प्यारों को गवाया, तो बहुत सारी कुर्बानियां हमने दी। और यकीनन ये एक वजह बनती है मेंटल स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिसऑर्डर की, और अब जो एक महंगाई का शॉक है, फिर क्लाइमेट चेंज का इशू है जिसके नतीजे में तबाही पाकिस्तान में आई, और उस तबाही के नतीजे में मजीद गुर्बत, मज़ीद परेशानी का सामना पाकिस्तान की आवाम को हुआ। तो ये बिल्कुल हकायक हैं जिसका इदराक भी है और जिसके लिए हुकूमत काम भी कर रही है। जैसे ही सैलाब आया 70 अरब रुपए, एक ऐसा मुल्क
जिसको पिछले 4 वर्षों की गलत पॉलिसीज ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, बावजूद उसके जैसे ही सैलाब आता है, ये जो हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज हैं और अपने डिफरेंसेस होंगे लेकिन इस मुल्क के लिए इकट्ठा है, फौरन 70 अरब रुपए का ऐलान करते हैं कि 25,000 रुपए विद इन अ वीक वो पैसे जो हैं वो जितने फ्लड विक्टिम्स को पहुंचा सके हमने पहुंचाए। इसके अलावा अब महंगाई का एक बोझ है और बतदरीज कुछ बरसों से ये चलता आ रहा है, क्योंकि जब 2018 में ये हुकूमत आई थी तब हालात और थे, जो पिछली हुकूमत थी बहुत सारी बातें उन्होंने की, वो बातें पूरी नहीं हुई, लेकिन जब इस हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो हालात जो देखे मैं बयान भी नहीं कर सकती, और इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो है कि मैं एक और जमात से हूँ, वो हालात बताने जैसे नहीं है, आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है उसमें इजाफा होगा, लिहाजा ये नहीं कहेंगे कि जी उनका काम है वही ठीक करें, जी हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें ठीक करना है, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाते रहेंगे, मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं लेकिन जिन फैसलों का असर अवाम पे होगा वहाँ अवाम के लिए भी रिलीफ पहले भी प्रोवाइड की है, जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़े थे, और आइंदा भी अवाम की जो गरीब तरीन तबका है उसके लिए रिलीफ अनाउंस करें। मैडम मुझे ये बताएगा, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोग खवातीन को 3 से 4 हज़ार रुपये दे रहे हैं महीने के, जिसमें एक कुकिंग ऑयल भी आज मुश्किल है, तो किस तरह आप देखती हैं जो महंगाई का हाल ये है कि लोगों को एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, जो लोग पहले 2 वक्त की खाते रहे वो 1 वक्त की भी नहीं खाते, तो किस तरह देखती हैं आप किस हद तक ये महंगाई बढ़ेगी और मजीद और कितने किस हद तक कंट्रोल किया जाएगा? आप भी पूछने में दोनों सवाल हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो मिनी बजट आया है उसके अंदर बेशुमार जो है वो टैक्सेस लगाए गए, लेकिन जो आम तासर है वो यही है कि ये जितना हुकूमती इशराफिया है उन्होंने अपना कुछ भी कम नहीं किया, अपने जो समझ लेकिन सारा बोझ गरीब। देखें आपको याद है कि पिछली हुकूमत जो थी, गो के ये ब्लेम करने की बात नहीं है लेकिन हकीकत है, पिछली हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आला सूबों के जो मुंसलिक थे पीटीआई से, जब उनसे महंगाई का सवाल किया जाता था वो कहते थे कि एक रोटी खाओ, फिर जब उनसे सवाल किया जाता था किसी एक ज़रूरत की चीज़ का तो वो कहते थे फलानी चीज़ खाना बंद कर दो, दूसरी चीज़ खाना शुरू कर दो। ऐसी कोई बात मैंने नहीं करनी, मैं कभी नहीं कहती हूँ, और ना हमारी जमात से जो लोग काबीना में या वैसे भी काबीना का कोई रुकन ये नहीं कहेगा आपको कि जी महंगाई नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आदादोशुमार सही हैं, जो कहते थे कि